हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रज्वल सिंह है और मैं आपका टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में अम्ल और क्षार के विषय में पढ़ चुके हैं, आज हम आपका पढ़ेंगे कि सूचक क्या होते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आइए हम रिकॉल करते हुए चलते हैं थोड़ा सा जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। और बच्चों, हमारा आपसे एक ही निवेदन है, एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो ठीक है बच्चों, अब हम आपका लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं सूचक लगा हुआ है और इससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों क्षार क्या होते हैं। क्षारक, क्षारक मतलब बच्चों बेसिस। तो क्षारक क्या है? ऐसे पदार्थ जो हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं, जो हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं बच्चों, और जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, हम क्या कहते हैं बच्चों? क्षारक कहते हैं। वी कैन से हियर बेसिस। तो बच्चों उन्हें हम क्या कहेंगे? क्षारक कहेंगे। और एक क्वेश्चन अक्सर लोग पूछ लेते हैं कि क्षारक और क्षार में क्या अंतर है, क्षारक और क्षार में क्या अंतर है बच्चों? तो आप याद रखिएगा, ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, जो जल में आयनों के रूप में, जो जल में आयनों के रूप में वियोजित हो जाते हैं, टूट जाते हैं बच्चों, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो क्षारक और क्षार में क्या अंतर है? यही अंतर है कि सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते। तो इससे आप याद रखिएगा। तो और एक बात कि क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, लेकिन नीला को लाल नहीं करते बच्चों। यहाँ पे कंफ्यूजन मत कीजिएगा, क्योंकि आपने अम्ल पढ़ा, तो अम्ल स्टार्टिंग में पढ़ा, तो कैसे ये ज्ञात अब याद करेंगे? तो सबसे पहले न आता है, मतलब नीला लिटमस पेपर आया, और नीला लिटमस पेपर किस में चेंज होता है बच्चों? लाल में चेंज होता है। जैसे कि यदि यहाँ पर हम बात लिटमस पेपर का कर ले थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन रहता है, हमें पता है लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर को बच्चों अगर आपको कैसे ज्ञात तक पता है, तो एक बात बताइए कि सबसे पहले आपका न आता है कि नहीं, और न के बाद बच्चों आपको क्या आता है? ल आता है। तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? अम्ल पढ़ा। क्या पढ़ा बच्चों? अम्ल पढ़ा। तो जो अम्ल होंगे नीले लिटमस पेपर को लाल करेंगे। इसके बाद क्या बच्चों पढ़ा आपने? क्षार पढ़ा। तो इसके बाद सबसे लास्ट में क्या? ल आएगा, और इसके पहले क्या आ जाएगा? न आएगा। तो ये क्या, लाल लिटमस पेपर क्या करते हैं? नीला कर देते हैं। तो उसे हम क्या करते हैं बच्चों? क्षार कह देते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाय दिस ट्रिक यू कैन से व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द लिटमस पेपर इन एसिड एंड बेस। तो यू कैन सी हियर। तो बच्चों हम बात करते हैं आपका अब डायरेक्टली सूचक क्या है। तो सूचक बच्चों ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्ली विलयन में एक रंग और क्षारीय विलयन बच्चों दूसरा रंग देते हैं। तो सूचक का उपयोग क्या है? सूचक का उपयोग हम एंड पॉइंट ज्ञात करने के लिए करते हैं। सूचक का उपयोग हम अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए बच्चों करते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि जो आपके सूचक होंगे अम्ली विलयन में एक रंग देंगे और क्षारीय विलयन में दूसरा रंग देंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। केवल इतनी बातें आप ध्यान रखें बच्चों। तो ठीक है, और इसके विषय में हम जान लेते हैं। सूचक वे पदार्थ जो जली विलयन में तो बच्चों आपके सूचक क्या है उसे आओ हम जान लेते हैं। तो सूचक क्या बच्चों? वे पदार्थ जो अम्ली विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग देते हैं बच्चों, तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग देते हैं। वे पदार्थ जो अम्ली विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग देते हैं उन्हें सूचक कहते हैं बच्चों। उन्हें हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं।
उन्हें हम क्या कहेंगे, आपका सूचक कहते हैं। तो ये चीजें बच्चों आप याद रखिएगा, और आपको आपके एग्जाम के उद्देश्य कोड से केवल तीन सूचक याद रखने की जरूरत है बच्चों, लिटमस पेपर, फिनाप्थलीन और आपका मिथिल ऑरेंज। केवल तीन चीजें आप याद रखिए और आपके एग्जाम में एक नंबर फिक्स। केवल तीन चीजें याद रखिए, लिटमस पेपर, फिनाप्थलीन और मिथिल ऑरेंज। तो तीनों का इफेक्ट हम बताते हैं बाय ट्रिक आपको। तो कुछ सूचक हम यहाँ पर ले लेते हैं आपका, यानी सूचक लिखा, अरे आप बच्चों हमने आपका लिखा अम्लीय, अम्लीय विलयन में रंग क्या होगा बच्चों, इसके बाद हमने लिखा आपका क्षारीय विलयन में रंग क्या होगा, इसका क्षारीय विलयन में रंग। तो अम्लीय विलयन में क्या रंग होगा बच्चों, क्षारीय विलयन में क्या रंग होगा, इसका हम यहां पर एनालिसिस करेंगे, यहां पर हम देखेंगे बच्चों। तो यहां पर बच्चों हम आपका ट्रिक लिख रहे हैं, ट्रिक कैसे हम ट्रिक से इसे याद रखेंगे, तो यहां पर बच्चों हमने आपका टेबल बना दिया, आपकी साड़ी बना दिया, और साड़ी के द्वारा हम इन चीजों को जानेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमने यहाँ पर ले लिया आपका लिटमस पेपर, लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर बच्चों आपके दो कलर के होते हैं, एक नीला लिटमस पेपर होता है और एक लाल लिटमस पेपर होता है। तो हमेशा याद रखिए दो लिटमस पेपर होते हैं आपके, एक नीला लिटमस पेपर और एक लाल लिटमस पेपर। तो नीला लिटमस पेपर क्या है बच्चों, अगर आपने नीला लिटमस पेपर लिया, कौन सा बच्चों, नीला लिटमस पेपर लिया, हम लिटमस पेपर ले रहे हैं आपका, नीला लिटमस पेपर ले रहे हैं, तो नीला। तो बच्चों अभी हमने आपको बताया कि जो नीला लिटमस पेपर होगा वो किस में चेंज होगा, लाल रंग में चेंज होगा, और किस में चेंज होगा बच्चों, यह होगा आपके अम्ल में। अगर लाल लिटमस, नीला लिटमस पेपर है बच्चों तो किस में चेंज हो जाएगा, नीला किस में चेंज होगा बच्चों, लाल में चेंज हो जाएगा। और यदि हम इसी नीले लिटमस पेपर को किस में डालें आपका, क्षारीय विलयन में डालें, तो आपका नीला का नीला ही रहेगा बच्चों, तो आपका नीला का नीला ही रहेगा, उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा, आपका नीला का नीला ही रहेगा बच्चों। और इसे ट्रिक तो हमने आपको बता ही दिया है कि सबसे पहले न आता है और इसके बाद क्या आता है बच्चों, ला आता है। मतलब कहने का कि नीला लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा, लाल में चेंज हो जाएगा। और यदि आपका क्षार में यही नीला लिटमस पेपर डालेंगे, अगर क्षार में डालेंगे तो आपका रंगहीन जाएगा बच्चों, क्या जाएगा आपका, वही कलर रहेगी, रंगहीन मत लिखिए, तो आपकी नीला कलर ही रहेगी अगर जो क्या रहेगा, नीला कलर ही रहेगी। तो ये तो नीला लिटमस पेपर का हाल रहा। अगर आपका हम क्या ले लें, जो आपका लिटमस पेपर ले रहे हैं बच्चों, जो आपका लिटमस पेपर ले रहे हैं और आपको क्या ले रहे बच्चों, हम लाल ले लें, कौन से पेपर ले रहे बच्चों, लाल लिटमस पेपर ले लें। तो लाल लिटमस पेपर किस में चेंज होगा बच्चों, लाल है तो किस में चेंज होगा, आपको अम्ली विलियन में आपका कोई भी चेंज नहीं होगा, अम्ली विलयन में आपका कोई चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहां आप लिख सकते हैं कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यहां पर या तो डायरेक्टली क्या लिखे, लाल का लाल ही बना रहेगा, लाल पेपर है तो आपका लाल ही बच्चों बना रहेगा। और यहां पर भी वही चीज लिख रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर लिटमस पेपर बच्चों आपका लाल है, नीला है तो इसमें चेंज होगा बच्चों, लाल में चेंज होगा अम्ली में, और आपका नीला लिटमस पेपर नीला का नीला बना रहेगा किसमें, क्षारीय विलयन में। और लाल लिटमस पेपर है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा अम्ली विलयन में, और जो आपका क्षारीय विलयन है वो लाल लिटमस पेपर किसमें चेंज होगा बच्चों, नीला में बदल जाएगा। तो दोनों चीजें
आपको याद रखने की जरूरत है और ट्रिक आपकी यही है। अगर आपका क्षार है, क्षार आप सबसे पहले अम्ल पढ़ते हैं, इसके बाद अच्छा आप क्षार पढ़ते हैं, मतलब सबसे बाद में आएगा लाल, ल और ल की इसमें चेंज होगा न में। तो लाल लिटमस पेपर क्षारी विलयन में किसमें चेंज होगा? नीले में होगा। और अगर आपका अम्ल होगा बच्चों और लाल लिटमस पेपर लिए हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब लाल लिटमस पेपर लाल ही बना रहेगा। तो ये आप याद रखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं फिनाप्थलिन का। फिनाप्थलिन, तो फिनाप्थलिन को हम कैसे याद रखेंगे बच्चों? एक ट्रिक बताते हैं, इसे याद रखिए, फिरंगी। एक ट्रिक बताते हैं इसे बच्चों, याद रखिएगा। कौन सी ट्रिक है आपका? फिरंगी। क्या बच्चों आपका? फिरंगी। तो फिरंगी से क्या क्या निकल के आएगा यहां पर आप थोड़ा गौर कीजिए। तो यहां पे आपका फी है, तो फी से क्या निकला बच्चों? फिनाप्थलिन निकला। फी से आपका क्या निकला? फिनाप्थलिन। फिनाप्थलिन फी से क्या निकला बच्चों? आपका फिनाप्थलिन निकला। और देखिए र आया ना, र आया, तो र से बच्चों आपको क्या निकला? रंगहीन। मतलब आपका अम्ली विलयन में आपका यह क्या होगा? रंगहीन होगा। अम्ली विलयन में आपका फिनाप्थलिन जो होगा बच्चों रंगहीन होगा। और यही आपका क्षारी विलयन होगा तो ग से क्या आ गया बच्चों आपका? गुलाबी आ गया। क्या आ गया बच्चों? गुलाबी आ गया। मतलब कि बच्चों अगर आपका क्षारी विलयन होगा तो आपके जो लिटमस पेपर है उसका रंग क्या आएगा बच्चों? गुलाबी आएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं, एक और बचा हुआ है आपका मेथिल ऑरेंज। लेकिन सबसे पहले आपका हम ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिनाप्थलिन का अम्ली विलयन में कौन सा रंग है बच्चों? रंगहीन होगा। तो यहाँ पर लिखिए बच्चों रंगहीन। और क्षारी विलयन में कौन सा रंग होगा? गुलाबी। तो इसे जानते रहिए बच्चों, क्षारी विलयन में कौन सा रंग होगा? गुलाबी होगा। तो अब हम बात करते हैं, एक और है आपका, वह है आपका मेथिल ऑरेंज। और मेथिल ऑरेंज से भी क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं बच्चों आपका मेथिल ऑरेंज। तो मेथिल ऑरेंज का क्या कलर होगा? तो इसको सबसे पहले हमें समझना होगा। तो मेथिल ऑरेंज जो होता है वह कौन सा कलर देता है बच्चों अम्ल में, और कौन सा कलर देता है बच्चों क्षार में, इसके विषय में सबसे पहले हमें सीखना होगा और जानना होगा। तो ठीक है बच्चों, अब बात कर रहे थे आपका मेथिल ऑरेंज का। तो आपके जो फिरंगी थे, फिरंगी में एक नायक रहता था, आपने कहानी पढ़ी नहीं होगा, उसका नाम था मलप्पा, वो भारतीय ही था। तो आप यहाँ से मलप्पा से याद रखिएगा बच्चों मेथिल ऑरेंज को। मलप्पा का क्या मतलब है बच्चों? मलप्पा, तो मैं से क्या मतलब है बच्चों आपका? मेथिल ऑरेंज। क्या मतलब मैं से? मेथिल ऑरेंज। और ल से क्या मतलब बच्चों? ल से मतलब है आपका लाल। और यहां से प से क्या मतलब? पासे पीला। तो यदि अम्ल होगा तो आपका कलर क्या पाएगा बच्चों? क्या पाएंगे आप अम्ली में? लाल पाएंगे बच्चों। और अगर अगर क्षार होगा तो क्षारी में क्या पाएंगे आप बच्चों? आपका क्षारी में आप क्या पाएंगे कलर? आप पीला पाएंगे बच्चों। ये आप याद रखिएगा, सूचक क्या है और सूचक का परिवर्तन कैसे कैसे हो रहा है लिटमस पेपर का। अगर आपका नीला लिटमस पेपर है तो लाल हो जाएगा अम्ली में और क्षारी में जो का त्यों बना रहेगा। अगर लाल है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा अम्ली माध्यम में और क्षारी में क्या नीला हो जाएगा। फिनाप्थलिन है तो इसे फिरंगी से याद रखिए, अगर अम्ली होगा तो रंगहीन ही रहेगा और ये आपको क्या होगा? गुलाबी हो जाएगा। मेथिल ऑरेंज है बच्चों तो आपका सबसे पहले अगर आपका अम्ली विलयन है तो मलप्पा, तो ल से क्या हुआ? लाल हो गया बच्चों। और प से क्या हो गया? पीला हो गया। तो इसे आप याद रखिएगा मेथिल ऑरेंज को। तो यहाँ से आप जो ट्रिक बताएंगे बच्चों इसे आप याद रखेंगे तो आसानी से आपका एक नंबर क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है और इसको हम सीखें? तो सबसे पहले अक्सर हमसे पूछ लेते हैं कि अच्छा आप बताइए
कि जल का पीएच मान कितना होता है, कि शुद्ध जल का पीएच मान बच्चों कितना होता है। तो आपको पता है शुद्ध जल में जो आपके आयन वियोजित नहीं होते हैं, अगर आपके आयन वियोजित नहीं होंगे तो कहने का मतलब क्या निकला कि शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान सात होता है। तो इसे बच्चों आप याद रखिएगा। और वर्षा जल का पीएच मान, तो बच्चों अच्छा ये बताइए, जैसे कि आपकी ये अर्थ हो गई और यहाँ पे आपके बादल हैं, अब बादल यहाँ पे वर्षा कर रहे हैं आपके, अब वर्षा करेंगे तो आपको पता है आपके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, आपके वायुमंडल में सल्फर ट्राइऑक्साइड, आपके वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड फैली है कि नहीं, परचेंट है कि नहीं। तो जब वर्षा कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है H2O से, क्या बना देता है बच्चों, H2CO3 बनाएगा, कार्बोनिक अम्ल बना देगा। और SO3 से अभिक्रिया क्रिया यदि H2O, तो क्या बना दिया बच्चों आपका H2SO3 बना दिया, एक मिनट SO3 नहीं होगा SO4 होगा। और यदि आपका यही H2O सब क्रिया किया तो क्या बना दिया बच्चों H2SO3 बना दिया। तो देखिए बच्चों ये सब क्या है आपके अम्ल हैं। क्या आपका वर्षा का जल अम्ली हो गया? हाँ, अगर आपके वर्षा का जल अम्ली हो गया तो बच्चों तो वर्षा जल का पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा। तो ये बच्चों वैसे ही बता दिया आपको, लेकिन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बताया गया है, ये दोनों आप याद रखिएगा बच्चों, आपके एग्जाम में हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे बच्चों आप शेयर कीजिएगा। और यदि कोई आपको डाउट रह जाए बच्चों तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, आपके डाउट्स का समाधान हम अगले वीडियो में ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, नमस्ते।